अगर आप कुरान को पढ़े ना, तो इंसान की जो इब्तिदा थी और इंसान को जो अशरफुल मखलूकात का जो टैग मिला है कि जो फरिश्ते हैं वो भी इंसान से नीचे दर्जे पे हैं, जिन्नात भी इंसान के निचले दर्जे पे हैं, बाकी मखलूक तो गई साइड पे, ये शर्फ कैसे मिला इंसान को? तो कुरान इस बात का जवाब देता है, जब आदम अलैहिस्सलाम की तकरीर सूरह बकरा में पढ़ेंगे, वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्ला, और इनफैक्ट फरिश्तों ने भी ये सवाल किया था, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा वयसफिकु दिमा, आप एक ऐसी मखलूक को बना रहे अल्लाह ताला जो फसाद करेगी, खून बहाएगी। अल्लाह ताला ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो चीज मैं जानता हूँ ना वो तुम नहीं जानते। और उसके अल्लाह ताला ने क्या किया, वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्ला, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों के जो नाम थे आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, ثم عرضهم على الملائكه, फिर फरिश्तों के सामने पेश किया, फिर अल्लाह ताला ने कहा अंबियूनी बिअस्माई हाउला, हम बताओ इन सब चीजों के नाम बताओ, तो क्या कहते हैं सुभानक ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमता, अल्लाह ताला आप पाक हैं, आप बहुत बुलंद हैं, आप आली हैं, आप मुताल हैं, आप सबसे तमाम किस्म के आप जो है ना फ्लॉज एरर सुभान है ना, बात खत्म हो गई, हम सिर्फ वो जानते हैं जो आपने सिखाया। तो वहां पे फरिश्तों के दरमियान, फरिश्तों की फौजों के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो शर्फ बख्शा वो इल्म की वजह से बख्शा, तो वो इल्म था एक्चुअली जो इंसान को फरिश्तों से ऊपर लेके चला जाता है। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं यरफअल्लाहु लदीना, अल्लाह ताला रिफत देते हैं, बुलंदियां देते हैं ईमान वालों को, और किसको, वल्लदीना उतुल इल्म, दर्जे बुलंद कर देता है अल्लाह ताला इल्म की वजह से। मैं छोटा था जब मैंने अपने इल्म का सफर शुरू किया, मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बोला बेटा ये जो इल्म तुम पढ़ रहे हो ना, पहला दर्स मेरा जो था ना, पहला दर्स इल्म का, वो कहते हैं बेटा जो तुम इल्म पढ़ रहे हो ये एक ऐसी चीज है जो आसमान से ऊपर का इल्म बताती है और जमीन से नीचे का इल्म बताती है। कहते हैं जहां पे इंसान के इल्म की इंतहा होती है वहां पे इस कुरान के इल्म की इब्तिदा होती है। सूरह बकरा पढ़ के देखेगा, अलिफ लाम मीम के ऊपर इंसान के इल्म की इंतहा हो जाती है। आप दुनिया के सारे मुफस्सिरीन को उठा के देख लें, इख्तलाफ तनवो बहुत मिलेगा, डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब इसकी ये तफसीर भी है, इसकी ये तफसीर भी है, इसकी ये तफसीर भी है। लेकिन मैंने अपने जितने मशाइख से पढ़ा तफसीर के इस इल्म को, जब इस आयत पे आते थे हुरूफ मुकत्तआत को समझाने में लगते थे, एंड में वो एक जुमला कहते थे जो इंसान के तज़किए के लिए काफी था, अल्लाहु आलमु बिमुरादी, अल्लाह ताला ही इनके सही मुराद को जानता है कि इससे मुराद क्या थी। कुछ ने कहा है कि ये अल्लाह के नाम है, कुछ ने कहा है अल्लाह के रसूल के नाम है, कुछ ने कहा है कुरान के नाम है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ अलिफ लाम मीम यासीन नून काफ हा या ऐन सौ, लेकिन एक नुक्ता जो इससे इंसान के तज़किए के लिए निकलता है वो ये कि अल्लाहु आलमु बिमुरादी, कि इंसान नहीं बता सकता, अल्लाह ही बेहतर जानता है, बेहतर जानता है, जानता है इंसान लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है इससे एक्चुअल मुराद क्या थी। ये आपको तफसीर के अंदर ही मिल जाएगा, सलफ के अंदर आप उठा के देखें, इबन कसीर उठाएं, कुर्तुबी उठाएं, तबरी उठाएं, बैज़ावी उठाएं, जलालैन उठाएं, एंड में एक लफ्ज जरूर मिलेगा आपको, अगर कहीं नहीं भी लिखा हुआ होगा ना आपको फील जरूर आ रही होगी कि इसका वो हतमी चीज आपको नहीं समझ में आ सकती। तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान की जब इब्तिदा की है तो समझाने के लिए यही बोला है, अरबों के लिए भी ये मौजा था, ये अलिफ लाम मीम उनके सर के, उनके दिमाग के, उनके परसेप्शन के, उनके अकायद के पर खच्चर डालने के लिए काफी था कि इसका मतलब क्या है, और इंसान को समझाने के लिए भी काफी है अजमियों को कि तुम अपने इल्म को ना यहाँ पे छोड़ के आओ। बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा, बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, बहुत बड़ा फिलोसोफर होगा, बहुत बड़ा थिंकर होगा, यहाँ पे अपना इल्म खत्म कर दो बस। तो दुनिया की पूरी जमात इंसानों की लाइन इस्तमातल इंसु वल जिन्नु अला यातु बिमिस्लि हादा कुरान, वो जमा हो जाए अपनी सारी ताकतों और फौजों के साथ भी, तो इधर से उनका सफर खत्म हो जाएगा बस, और फिर अल्लाह ताला का सफर शुरू होता है कुरान का।